नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर प्रचार बंद हो चुका है। अब 19 अप्रैल को वोटिंग का इंतजार है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में बसपा में बड़ी हलचल देखने को मिली है। बता दें, यूपी के झांसी में बसपा ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यहाँ बसपा ने राकेश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बुधवार को पार्टी ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित करते हुए टिकट भी काट दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने बसपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों में बदलाव किया है। जिला अध्यक्ष बीके गौतम ने लेटर जारी कर जानकारी दी है। तो वहीं झांसी में बसपा ने अभी हाल ही में अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बुधवार को पार्टी ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया। उन पर पार्टी विरोध गतिविधियों के आरोप लगे हैं। वहीं झांसी जिलाध्यक्ष भी बदल दिया गया है। पार्टी के इस कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ ही यह भी चर्चा चल रही है कि अब बसपा किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। झांसी के इससे पहले जिलाध्यक्ष जयपाल अहिरवार हुआ करते थे, उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह नए जिला अध्यक्ष बीके गौतम बनाए गए हैं। उन्होंने पत्र जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। बीके गौतम ने पत्र जारी करके बताया कि प्रत्याशी राकेश कुशवाहा पर अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। इस संबंध में उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। पार्टी ने जाँच कराई तो आरोप सही पाए गए। इसको देखते हुए पार्टी की ओर से राकेश कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब वह पार्टी के प्रत्याशी नहीं होंगे। बसपा पार्टी के इस निर्णय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।